जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और अब जो खबरें आ रही है वाकई में दिल दहलाने वाली खबर है। टीपू दाना की जो प्रभारी है, थाना प्रभारी संध्या, उनको रौंद कर उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, एक पिकअप वैन था, उनको रौंद डाला। ये सुबह 3 बजे की घटना है। आपको बता दें चले 2018 बैच की एएसआई ऑफिसर संध्या टोपने जो है वो सुबह 3 बजे चेकिंग करी थी। आपको बताते चले कि पशु तस्करी जो है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको लेकर हर जगह चेकिंग पॉइंट बनाया गया था। और उस चेकिंग पॉइंट से गुजरने वाले वाहन को पुलिस को पूरा चेक होता है गाड़ी, तभी उसको अगले पॉइंट तक जाने की अनुमति मिलती है। इसी को लेकर सुबह 3 बजे जब वो ड्यूटी पर थी संध्या, उन्होंने हाथ देकर इशारा किया एक टेम्पू को रोकने के लिए। उनको कुछ संदेह हुआ उस टेम्पू पे, लेकिन जब वो बीच रास्ते पे आई और उन्होंने इशारा किया तो वो जो चालक था, पिकअप वैन चालक, उसने पूरी तरीके से दरकिनार किया इनके इशारों को। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा रौंद दिया। जी हाँ, और एन मौके पे कहा जा रहा है कि एन मौके पे उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उन्हें रिम्स ले जाया गया था, लेकिन रिम्स में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जिनसे ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। जहां एक ओर बीजेपी वाले हमला बोल रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन पे, और साथ ही सरकार पे और उनके व्यवस्था पे, लचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि एक डीएसपी, एक एएसआई का सुबह 3 बजे इस तरीके से देखा जाए तो एक मर्डर है, मर्डर हो जाता है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ट्वीट करके ये कहा है कि हेमंत सोरेन की प्रशासन व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से लचर है, और इस तरीके से जो हत्याएं हो रही है ये तर्क से मर्डर है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम आपको कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा का भी बयान सुनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए और इस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस व्यवस्था को हम और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। खैर, क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले आप सुनिए कि राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। सैल्यूट करते हैं, और यही है रांची प्रशासन की संवेदनशीलता कि वो अपनी जान दे करके भी अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने का काम करती है। क्योंकि इस राज्य में एक संवेदनशील सरकार कार्य कर रही है, तो संवेदनशीलता के साथ हमारी प्रशासन भी लगी हुई है। और स्वाभाविक तौर पे ये घटना दुखद घटना है, और हमें लगता है कि उन अपराधियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होगी, और रांची पुलिस के इस जज्बे को पूरे राज्य के 3.25 करोड़ जनता भी सलाम करेंगे। तो आपने साफ तौर पर आके सुना को कहते हुए सुना, व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कराई जाएगी। खैर, व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर तो है। इस वजह से जितना बड़ा ये हादसा देखा जाए तो बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि रक्षक है हमारे झारखंड पुलिस जो है वो रक्षक है। अगर उन्हीं के साथ ऐसी चीज़ें होंगी तो अवश्य बात है आम जनता कैसे सेफ फील करेंगे। इसके साथ ही रांची के एसएसपी कौशल कुमार का भी ये कहना है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, पिकअप जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये रांची के एसएसपी का कहना है, और कड़ी से कड़ी सजा देगी और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी एक कड़ी नियम, एक कड़ा प्रावधान बनाया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। में शिखा श्रेया अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।